डोंगेवाला में पीएम मोदी का पाकिस्तान पर करारा प्रहार, कहा हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। प्रधानमंत्री मोदी बोले भारतीय सेना ने दुश्मनों का तोड़ा हौसला, पाकिस्तान के नेस्तनाबूद किए नापाक मंसूबे। चीन पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी, कहा सीमा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान की कायराना हरकत का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, जवाबी कार्रवाई में बाजवा के 20 सैनिक ढेर। पाकिस्तान के कई बंकर और लॉन्च पैड तबाह, पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तानी सैनिक। भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान को भारी नुकसान, गोलाबारी से पाकिस्तानी पोस्ट धुआं धुआं। सीमा पार से गोलीबारी में भारत के 6 जवान शहीद, गुरेज से उड़ी सेक्टर तक हुई फायरिंग। रिहायशी इलाकों में फायरिंग से 4 नागरिकों की मौत, पाकिस्तान की फायरिंग में 20 लोग घायल। दुनिया के सामने फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, भारतीय इलाके में ग्रामीणों को बना रहा है निशाना। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की भारी गोलीबारी, मोर्टार हमले के बाद भारतीय सीमा में कई घर तबाह। एलओसी से सटे गांवों के लोगों का बयान, एलओसी पर करगिल युद्ध जैसे हालात। उरी गुरेज और केरन सेक्टर में हैवी फायरिंग, बॉर्डर पर बहुत भयानक गोलीबारी। पाकिस्तान के आर्मी हाई अलर्ट पर, पाकिस्तानी एयरफोर्स को अलर्ट किया गया। पाकिस्तानी सेना सियालकोट बॉर्डर के लिए रवाना, हथियारों के साथ पाकिस्तानी जवान सीमा की ओर बढ़े। भारत की आक्रामकता से पाकिस्तान में अलर्ट, बॉर्डर से सटे इलाकों में बाजार बंद किए गए। एलओसी पर भारत के प्रहार से बौखलाया पाकिस्तान, भारतीय राजनयिक को पाकिस्तान ने भेजा समन। सीमा पर भारी नुकसान के बाद आंकड़े छुपाने में जुटा पाकिस्तान, पाकिस्तान के डॉन अखबार ने पेश किया गलत आंकड़ा। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने कहा भारतीय फायरिंग में 1 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, 4 नागरिकों की मौत। भारत पाक सीमा पर भारत ने बढ़ाई चौकसी, सरहद पर आर्मी और बीएसएफ के जवान 24 घंटे मुस्तैद। केरन सेक्टर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम, 1 हफ्ते में दूसरी बड़ी घुसपैठ की नाकाम कोशिश। पीओके में तबाही के बाद निशाने पर इमरान खान, भारत की भीषण कार्रवाई से घबराए पीओके के पीएम। पीओके के पीएम फारूक हैदर ने इमरान पर उठाए सवाल, कहा इमरान बताएं एलओसी पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार। डीआरडीओ ने क्यूआरएसए मिसाइल का किया सफल परीक्षण, खौफ में चीन और पाकिस्तान। आतंक के खिलाफ फ्रांस को फिर बड़ी कार्रवाई, माली में 30 आतंकियों को किया ढेर। सीरिया के इदलिब में रूस के एयर स्ट्राइक, आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।